अगली खबर में बात करते हैं रीवा जिले के बहुचर्चित कॉलेज ठाकुर रणवंत सिंह को लेकर। आपको बता दें कि ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय में उन छात्राओं का एडमिशन होता है जिनके 70%, 80%, 90% अंक होते हैं। उन छात्राओं का जब कॉलेज में परीक्षा होती है तो वे फेल या सप्लीमेंट्री एवं प्रमोटेड कैसे हो जाते हैं, या तो कॉलेज में पढ़ना बंद कर देते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। ज्ञापन सौंप कर छात्रों ने पढ़ाई सुचारू रूप से करवाने और एग्जाम में मूल्यांकन सही तरीके से करने की मांग की है। इतना ही नहीं, संगठन के लोगों ने कहा कि टॉपर छात्र कैसे फेल हो जाते हैं, ऐसा कैसे संभव है, अगर उनका रिजल्ट नहीं सुधारा गया तो उग्र आंदोलन होगा। मेधावी छात्र सेलेक्टेड स्टूडेंट आते हैं अपने एक्सीलेशन, उसके बाद ऑटोमेटिक मैम हम क्या देख रहे हैं कि मतलब 90% स्कोर करके आ रहा है मैम, 70 समझ में आता है, 60, 50, 33 भी नहीं पा रहा मैम। ये बताओ ना, इसमें उस लड़के को भी तो सोचने की ज़रूरत है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ और क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जांचने वाले ने जान के उनके साथ किसी से दुश्मनी निकाली है ना, तो उनको बोलो ध्यान लगा के पढ़े। कॉलेज में आकर के लोगों के पर निकल आ गए, वो सोचते हैं TRS कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो पास होने की गारंटी है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप लिखेंगे नहीं, उस पर कोई कार्रवाई ऐसे नहीं होती बेटा कि किसी ने जान के आपको फेल किया है ना। फिर भी हम उसको दिखवा लेंगे, परंतु ऐसा नहीं है मैम। एटलीस्ट मेरा ये कहना है, जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जैसे जो नहीं पढ़ रहे ठीक है, लेकिन मैम एटलीस्ट एक क्लास में अगर 50-50 लड़के ऐसे नहीं, ऐसा है ही नहीं कि 50-50 लड़के हो। हम लोग ने पूरा रिजल्ट देखा हुआ है और हर क्लास में कुछ ना कुछ लड़के तो फेल होते ही हैं। यहीं से कोई भी कॉम्पिटिशन में जब तक नहीं आएगा तो बेटा अपन तो ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ का लड़का है तो हम इसको प्रेफरेंस दें, ऐसा कहीं पर ऑर्डर नहीं है। आज हम शासकीय ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय में ज्ञापन दिए हैं जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं TRS कॉलेज ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय एक एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जहां लड़के मेधावी 70%, 90%, 80% लेके आते हैं। ऐसा फिर यहां क्या होता है कि वही छात्र यहां फेल हो रहे हैं? जो छात्र 90% लेके आ रहा है वो 60 पा सकता है, 50 पा सकता है, 33 पा सकता है, 33 के नीचे वो कैसे पा रहा है? जो लड़का यहां से BSc ऑनर्स करके निकल रहा है उसे MSc में एडमिशन नहीं मिल रहा है, ये कहाँ का न्याय? क्या लगता है आपको मूल्यांकन में कुछ त्रुटि हो रही है? मेरा ये कहना है कि 10 लड़के नहीं पढ़ सकते, 15 नहीं पढ़ सकते, क्या 3000 में से जिस संख्या में, जिस प्रतिशत में छात्र एवं छात्राएं फेल हो रही, क्या वो उचित है? क्या मांगे मांगी आप लोगों से, क्या चाहे? हमारी मांगे थी कि कक्षाएं नियमित हो। दूसरी चीज, जो नंबर का क्राइटेरिया है वो इस हिसाब से हो कि यहाँ से निकले हुए छात्र को कल के दिन कहीं भी एडमिशन लेने में दिक्कत ना हो। मूल्यांकन का जो तरीका है वो थोड़ा इस प्रकार हो कि छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।